का नाम है सरहदपार। न जाने क्यों अब सरहदपार से हवा के साथ वो सोंधी सोंधी खुशबू नहीं आती। न जाने क्यों अब सरहदपार से हवा के साथ वो सोंधी सोंधी खुशबू नहीं आती। न जाने क्यों अब परिंदे भी सरहद के उस पार जाने से कतराने लगे हैं। अब परिंदे भी सरहद के उस पार जाने से कतराने लगे हैं। अब शायद अजब और तहजीब वहां दफन होती जा रही है। अब शायद वहां अदब और तहजीब दफन होती जा रही है। जो कभी वो जाते जाते अपनी यादों में हिंदुस्तान की मिट्टी को चूम कर गले से लगाकर पाकिस्तान चले गए थे। जो कभी जाते जाते अपने हिंदुस्तान की मिट्टी को चूम कर कभी पाकिस्तान चले गए थे, वो अब अपने दिलों में बसाकर हिंदुस्तान ले गए थे। वो जो कभी अपने दिलों में बसाकर हिंदुस्तान ले गए थे, और देखिएगा कि इस मंच से आप सबको जोड़ना चाहूंगा कि अब वो फसल जो कभी लहलहाती थी दूर तक बस जलती हुई नजर आती है। शायद ये नई फसल का आगाज हो रहा है। जो ये जानता ही नहीं कि वो किस तरह जल रहा है। और लास्ट मोमेंट पे आप देखिएगा, नया लास्ट वन है कि अब वहां पुराने मकान खंडरों में तब्दील हो चुके हैं। और जो बचे हैं वो भी खंडर हो जाएंगे। सरहदपार से न जाने क्यों सोंधी सोंधी खुशबू। शुक्रिया।